नमस्कार दोस्तों कैसे हैं आप लोग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की सीरीज में एक और ऑर्गेनाइजेशन एशियन डेवलपमेंट बैंक इसके बारे में बात करेंगे इसका इंट्रोडक्शन देखेंगे कैसे इसको ऑर्गेनाइज किया गया इसमें लीडरशिप कैसे दिखाई जाती है वोटिंग राइट्स क्या है अलग अलग कंट्रीज के इंडिया के वोटिंग राइट्स क्या है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया में क्या क्या काम किया है एशियन डेवलपमेंट बैंक ने दुनिया की कौन कौन सी बैंक के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की और उस पार्टनरशिप का मतलब क्या है और कैसे एशियन डेवलपमेंट गेम्स ये बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को मीट करने में मदद करता है पहली बात तो ये एशियन डेवलपमेंट बैंक एक रीजनल डेवलपमेंट बैंक है जिसका हेडक्वार्टर्स है ऑटिगा सेंटर जो कि मंडलियोंग नाम की सिटी मेट्रो मनीला फिलीपींस में 19 दिसंबर 1966 19 तो दिसंबर 1966 को ये बैंक बनाया गया था इस बैंक में मेंबर्स आ सकते हैं किसके यूनाइटेड नेशंस इकोनॉमिक एंड सोशल कमीशन फॉर एशियन पैसिफिक

अपने मेंबर्स और पार्टनर्स की मदद करता है कैसे लोन प्रोवाइड करके टेक्निकल असिस्टेंस प्रोवाइड करके इक्विटी इन्वेस्टमेंट करके ताकि सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को आगे बढ़ाया जा सके तो एशियन डेवलपमेंट बैंक डेवलपमेंट पे इंपैक्ट डालेगा बहुत अलग अलग तरीके से पैसा तो देगा ही है फाइनेंशियल रिसोर्सेज तो देता ही है साथ साथ एडवाइजरी सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है टेक्निकल सर्विसेज भी प्रोवाइड करता है पॉलिसी डायलॉग यानी कि पॉलिसीज किस तरीके की बनाए गवर्नमेंट उसमें अपने इनपुट्स देता है और साथ साथ एशियन डेवलपमेंट बैंक एक यूनाइटेड नेशन का ऑब्जर्वर भी है। अगर आप बात करें, एशियन डेवलपमेंट बैंक के अंदर पॉलिसी बनाता कौन है कौन है, इसके में? तो इसका एक है। और बोर्ड ऑफ गवर्नर में जितने भी इसके 68. हर 68 से एक एक आया जो बोर्ड ऑफ गवर्नर में है। इन बोर्ड ऑफ गवर्नर में से 12 मेंबर्स का एक बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चुना जाता है और इनके कुछ अपने डेप्यूटीज होते हैं तो ये जो अड़सठ हैं जो कि अपने रिप्रेजेंटेटिव को भेजते हैं

एशिया पैसिफिक रीजन के ही हैं और बाकी नॉन रीजनल मेंबर्स हैं। आप हमेशा से जापान सबसे बड़ा शेयर होल्डर रहा है एशियन डेवलपमेंट बैंक का हमेशा से जो प्रेसिडेंट है एशियन डेवलपमेंट बैंक का वो रहा है। है अभी के लिए है, सुगा असकवा। इससे पहले थे ताके ही

जापान के पास सबसे ज्यादा शेयर है एशियन डेवलपमेंट बैंक में फिफ्टीन थोड़ा ही इससे कम है यूएसए के 15.567 परसेंट चाइना के पास 6.473 परसेंट इंडिया के पास 5.812 परसेंट इंडिया के पास ठीक ठाक शेयर से कम नहीं है तो ओवरऑल एशियन डेवलपमेंट में सोशल डेवलपमेंट करेगा पॉवर्टी कम करेगा कहाँ पे एशिया पैसिफिक में इंक्लूसिव ग्रोथ बढ़ाएगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट बढ़ाएगा सस्टेनेबल ग्रोथ बढ़ाएगा रीजनल इंटीग्रेशन बढ़ाएगा एडी इन्वेस्ट कहाँ कहाँ करता है इंफ्रास्ट्रक्चर में हेल्थ में पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में क्लाइमेट चेंज को टैकल करने में नेचुरल रिसोर्सेज को अच्छी तरीके से खत्म करने में एडीबी की असिस्टेंस इंडिया को मिलनी शुरू हो गई 1986 में एडीबी इंडिया को कौन कौन से फील्ड में सपोर्ट करता है फील्ड सेक्टर्स में सब आपको अलग अलग बता रहा हूं याद रख सके तो याद रखिएगा तो भैया इंडस्ट्रियल कॉम्पिटेटिवनेस के फील्ड में जॉब क्रिएशन की फील्ड में ग्रोथ एक्सेलेशन ऑफ लो इनकम स्टेट्स के फील्ड में इन्वायरमेंटल और क्लाइमेट चेंज चैलेंजेस में एडीबी मदद करता है इंडिया की कौन से छह सेक्टर्स हैं इंडिया में जहां पे आपको एडीबी की प्रेजेंस नजर आएगी तो ट्रांसपोर्ट सेक्टर में प्रेजेंस नजर आएगी एनर्जी सेक्टर में नजर आएगी वाटर एंड अर्बन सर्विसेज में नजर आएगी फाइनेंस एंड पब्लिक सेक्टर मैनेजमेंट नजर आएगी एग्रीकल्चर एंड नैचुरल रिसोर्स नजर आएगी और ह्यूमन डेवलपमेंट में नजर आएगी आपको एडीबी की प्रेजेंस इंडिया में इंडिया के पच्चीस स्टेट्स में एडीबी के द्वारा फाइनेंस प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं ये प्रोजेक्ट्स कौन कौन से हैं बहुत मैसिव प्रोजेक्ट्स हैं तो रेलवे एंड मास रैपिड ट्रांसिट सिस्टम को बनाने के लिए भी एडीपी ने लोन दिया इंडिया को रेन्यबल एनर्जी और एनर्जी एफिशिएंसी को आगे बढ़ाने के लिए भी लोन दिया है कोस्टल प्रोटेक्शन के लिए भी लोन मिला है ए से रिवर बैंक स्ट्रेंगनिंग एंड रिवर बेसिन मैनेजमेंट के लिए भी लोन मिला है अर्बन इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट वाटर मैनेजमेंट सैनिटेशन सीवरेज और सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के लिए भी एडीपी से लोन मिला है इंडिया को इंडिया ने नाइनटीन में ही एडीबी की मेंबरशिप को ज्वाइन कर लिया था नाइनटीन से फाइनेंशियल मदद मिलनी शुरू हो गई इंडिया को एडीबी की अब यहाँ पे देखते हैं कि ए डी बी ने इंडिया में क्या क्या काम किया है मैं कुछ इंपॉर्टेंट काम आपको बताऊंगा वैसे तो बहुत से काम हैं जो कि ए डी पी ने इंडिया में टेकअप किए हैं पहली बात तो इंडिया बहुत तेजी से इकोनॉमिक ग्रोथ की है इंडिया ने पिछले कुछ डेकेट्स में दुनिया की थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बढ़ गई है इन टर्म्स ऑफ परचेजिंग पावर पार्टी और दो हजार चार से लेकर अब तक इंडिया ने पॉवर्टी को भी बहुत ज्यादा कम किया हम ए डी बी के फाउंडिंग मेंबर हैं नाइनटीन सिक्सटी सिक्स में हम मेंबर बन गए थे ए डी बी के

टू एक्सेलरेट इट्स इंक्लूसिव इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन जहां पे ज्यादा जॉब्स क्रिएशन पे फोकस किया जाएगा इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ाने पे लो इनकम स्टेट्स की मदद की जाएगी क्लाइमेट चेंज कंसर्स को एड्रेस किया जाएगा प्राइवेट सेक्टर डेवलपमेंट पे ध्यान दिया जाएगा वुमेन एम्पावरमेंट सोशल इंक्लूजन पे ध्यान दिया जाएगा साउथ एशिया में रीजनल इंटीग्रेशन किया जाएगा थ्रू साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन बताइए साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन में कौन कौन सी कंट्री आती हैं और ये साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन सार्क से कैसे अलग है साउथ एशिया एसोसिएशन फॉर रीजनल कॉपरेशन और साउथ एशिया सब रीजनल इकोनॉमिक कॉपरेशन में क्या फर्क है ये नीचे कमेंट बॉक्स में आप मुझे बताइए फिर कुछ एग्जांपल्स देते हैं कि एडीबी ने इंडिया में क्या क्या, क्या किया तो 1600 किलोमीटर ऑफ स्टेट हाईवेज और मेजर डिस्ट्रिक्ट को प्रदेश में डेवलप करने के लिए 490 मिलियन डॉलर्स का लोन दिया उसी तरीके से स्टेट हाईवे को छत्तीसगढ़ में डेवलप करने के लिए मिलियन डॉलर एक लोन नब्बे में इक्कीस किलोमीटर ऑफ रूरल रोड्स को डेवलप करने के लिए 200 मिलियन डॉलर का लोन और यहां पे और लोन के एग्जांपल्स दे रखे हैं आप देख सकते हो अब ये लोन के एग्जाम्पल्स मैं तो आपको क्या बताऊं रिसेंटली कोविड 19 के समय पे एशियन डेवलपमेंट बैंक ने इंडिया की मदद की है तो पहले तो इंडिया को 2.2 बिलियन डॉलर लगभग 16,500 करोड़ का लोन मिला कोविड 19 के पैंडेमिक से डील करने के लिए एशियन डेवलपमेंट बैंक से बाद बाद में 1.5 बिलियन डॉलर का लोन और मिला है कैसे सेंट्रल गवर्नमेंट इस लोन को लगाएगा तो भैया कोविड नाइन्टीन कंटेनमेंट एंड प्रिवेंशन में सोशल प्रोटेक्शन फॉर पुअर एंड इकोनॉमिकली वर्नरेबल के लिए ये जो लोन दिया गया है वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के कोविड 19 एक्टिव रिस्पांस और एक्सपेंडिचर प्रोग्राम के अंदर दिया गया जिसको बोला था केयर्स प्रोग्राम और इस कोयर प्रोग्राम को इंडिया में सोशल असिस्टेंस प्रोग्राम के साथ जोड़ा जाएगा ताकि कोविड नाइन्टीन का प्रिवेंशन और कंट्रोल दिया जा सके साथ साथ हेल्थ सेक्टर में जो लोग काम कर रहे हैं उनकी मदद की जा सके जो इकॉनमी इतनी नीचे जा रही है उसमें कुछ लोगों को लिमिटेड नौकरियां दिया जा सके इन सब चीज़ों में इस केयर्स के पैसे को इंप्लीमेंट किया जा सकता है एशियन डेवलपमेंट बैंक दुनिया भर के बहुत सारे ऑर्गेनाइजेशन के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की जैसे कि वर्ल्ड बैंक के साथ किए एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ किए यूरोपियन बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट के साथ किए इन्वेस्टमेंट बैंक के साथ इंटर अमेरिकन डेवलपमेंट बैंक के साथ न्यू डेवलपमेंट बैंक के साथ क्यों किए डुप्लीकेशन ऑफ एफर्ट्स ना हो कहीं ना कहीं इन बैंकों के साथ अगर डील करता है डेवलपमेंट बैंक तो किसी एक प्रोजेक्ट में अगर कोई दूसरा बैंक लोन दे रहा होगा तो एशियन डेवलपमेंट बैंक नहीं देगा कहीं ना कहीं किसी एक मार्केट में एक बैंक की प्रेजेंस है तो अब एशियन डेवलपमेंट बैंक की प्रेजेंस ऑलरेडी इंडियन मार्केट में है तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एशियन डेवलपमेंट बैंक के डॉक्यूमेंट्स को देख के अपने लोन देने के डिसीजन के ऊपर वेट कर सकता है बहस कर सकता है कि हा भाई ये जो पहले के बैंक हैं ये इस हिसाब से लोन दे रहे हैं तो मतलब कि एशियन डेवलपमेंट बैंक को बाकी बैंकों से भी मदद मिलती है और बाकी बैंकों को एशियन डेवलपमेंट बैंक से मदद मिलती है स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का मेजर रोल है तो यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक अगर इंडिया में किसी प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो सीधे वो एशियन डेवलपमेंट बैंक के डॉक्यूमेंट्स देख सकता है और देख सकता है कि पहले जो पैसा दिया गया उसके किस तरीके से इंटरेस्ट वापस आए हैं ग्राउंड लेवल पे उसमें क्या क्या इंप्रूवमेंट हुई तो इस तरीके की बातें यहां पे निकल के आती हैं एशियन डेवलपमेंट बैंक सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो सत्रह सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं उनको मीट करने में भी मदद करता है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या करते हैं इट इज़ ए यूनिवर्सल कॉल टू एंड पोवर्टी प्रोटेक्ट द एंड एनश्योर पीस एंड प्रॉस्पेरिटी फॉर ऑल और इसको पूरा करने में एशियन डेवलपमेंट बैंक मदद करता है ये जो 2030 एजेंडा फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट है जिसको एक सौ इक्यानवे कंट्रीज ने अडॉप्ट किया था यूनाइटेड नेशंस के सितंबर 2015 में इन टारगेट्स को अचीव करने के लिए 169 टारगेट्स जिनको 2030 तक अचीव करना इन एरियाज ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज क्लाइमेट चेंज डिजास्टर पीस सिक्योरिटी इक्वलिटी इकोनॉमिक ग्रोथ डिसेंट जॉब्स इन सब में रोल प्ले करेगा कौन एशियन डेवलपमेंट बोर्ड तो यह एशियन डेवलपमेंट बोर्ड के बारे में इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सारी काम की चीजें जितने कम समय में आपको बता सकता था उतने कम समय में बता दिए और भी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन की वीडियो आपके सामने आएंगी वीडियो पे लाइक का बटन जरूर दबा देना शेयर और कमेंट भी जरूर कर देना दोस्तों अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर करें ताकि मुझे थोड़ा सा मदद मिले थैंक यू फॉर वॉचिंग हम डे